जे डॉक्टर बोला है तुमके निर्जला चलेगा नहीं, तुमको आधा घंटा पीछे पीछे एक घंटे पीछे खाना पड़ेगा, ये करेगा नहीं तो मरोगे। हमारे सामने तो कितना कठिन परीक्षा, काल एकादशी है और हमको वो दवा लेना पड़ेगा नहीं तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, कितना बड़ा परीक्षा बताओ। ये देखो ना, ये एक्शन खत्म हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा काल। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है? बोले उसका कोई ऑप्शन नहीं। हमको कहता हम एकादशी करेंगे, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं तो दो दिन पीछे मर जाएंगे, नहीं परसों दिन हमारी मृत्यु आ सकती है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम निर्जला करेंगे काल। उत्साहत निश्चयात, निश्चय माने हमको कृपा करेंगे ही, हम कितना भी पापाचारी हो, कितना भी पाप किए हैं, कितने भी अपकर्म कुकर्म कुछ भी किए हैं, ये तो हमारे पूर्व संस्कार वश हम किए हैं, लेकिन प्रभु हमको अवश्य कृपा करेंगे, क्यों? वो पतित पावन है। कोई शास्त्र में ऐसा शब्द नहीं है जहाँ ये कहा गया है जो ऐसे पाप करने से प्रभु उसको क्षमा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान कहे अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा भय होता है, बोलते हैं ना मा शुचो, कोई चिंता नहीं। सर्व पाप माने सब, माने ऐसा कोई पाप नहीं है, कुकर्म नहीं है, कदाचार अविचार व्यभिचार कुविचार ऐसे कुछ है नहीं जो भगवान क्षमा नहीं कर देते, उनके शरण में आने से भगवान क्षमा नहीं करते हैं, ऐसे कोई शब्द हमारे सनातन धर्म में कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं, बल्कि भगवान बार बार कहे हैं जो अति पापाचारी व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है अर्जुन, उसको तुम साधु समझना और बहुत जल्दी मेरी कृपा से वो समस्त पाप से उत्तीर्ण हो करके भक्त बन जाता है। कौन ते हो प्रतिजानी ही नमे भक्त पुनश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी वो नष्ट नहीं होता है, हम उसको अवश्य समस्त पाप से मुक्त कर करके हमारे पास बुला लेते हैं। इसलिए ऐसे भावना रखना ही नहीं चाहिए। निश्चयात, निश्चय माने प्रभु निश्चित कृपा करेंगे ना, नहीं तो भजन में आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मतलब भजन होता नहीं है, भजन में पहले से जितना भजन करते थे उससे और गिर गए हैं, पहले जैसे उत्साह नहीं है, पहले से जैसे आग्रह नहीं है, पहले जैसे निष्ठा नहीं है, पहले जैसे मन भी नहीं लगता है, मतलब कुछ भी हो हम कुआं में गिरेंगे, लेकिन हम विश्वास रखते हैं प्रभु हमको समस्त पाप समस्त हमारी दुर्बलता हमको हमारे समस्त कमियाँ को मिटा करके अवश्य हम जब उनकी शरण में है वो हमको अपने चरण कमल में खींच लेंगे उनकी कृपा बल से। गीता में एक श्लोक है अष्टादश अध्याय में, मत चित्त सर्व दुर्गा निमत प्रसादात परिश्रषि अथ चित्तम अहंकार न सृष्यसि विनांशसि, अर्जुन तुम हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो, तुम हमको हृदय में धारण करके विश्वास करके बैठे रहो, सर्व दुर्गानि मत प्रसादात परिश्रषि, समस्त दुर्गति से मैं अपने शक्ति के द्वारा तुमको पार लगा देंगे, मत प्रसादात परिश्रषि, मेरी कृपा से पार लगा दोगे, ये नहीं सोचना हम सर्व समर्थवान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम सब कुछ कर सकते हैं, पलक में अनंत कोटि ब्रह्मांड तारण कर सकते हैं, हम कितने भी पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी हों, हम उनके शरण में जब आए हैं क्या हमको पान नहीं लगाएंगे? ऐसा होता ही नहीं, अवश्य लगाएंगे, वो पतित पावन है, हम पतित हैं, हमको अवश्य कृपा करें, ऐसे निश्चयात है ना। उसके बाद है धैर्यात, धैर्यात माने धैर्य धारण करना, ये नहीं काल ही भजन लिया दो दिन गए नहीं आप सोचते हमारे तो कुछ हुआ नहीं, हाय हमारा भजन नहीं हुआ, हम आगे कुछ मिला नहीं, इतना दिन हो गया ब्रज में आए हैं, ऐसे बहुत सारे हम देखे हैं ब्रज में आए सब छोड़ छाड़ के घर बनाए हैं ब्रज में बास करेंगे,
दो चार चार साल पीछे देखे हैं, सब घर बेचवास के घर चले गए हैं, सोचे हैं बजू में जाने से भगवान मिल जाएंगे। धैर्यात धैर्यात धारण, धैर्य धारण करो, अवश्य कृपा करो, मिलेंगे मिलेंगे अवश्य मिलेंगे, है ना, अवश्य कृपा। उत्साहत निश्चयात धैर्यात धैर्य धारण करना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रभु के चरण में जो हमने अपने को समर्पण करके उनके आशा लेकर आए हैं ब्रज में, किसी भी अवस्था में हम पीछे हटेंगे नहीं। धैर्या धैर्य धारण कर बैठे रहो, है ना। फिर है तत्त कर्म प्रवर्तन, तत्त कर्म प्रवर्तन माने जो नाम जप ध्यान धारणा उपासना स्तप स्तुति वंदना जो भी गुरु तुमको प्रदान किए हैं, हैं, वो करना चाहिए किसी भी अवस्था में, वो नियम को छोड़ो मत। काल को माला किया, फिर निरुत्साह आ गया, माला छोड़ दिया, माला फलाप करते नहीं है, घूमते रहते हैं, कभी यहाँ कभी उधर जाते हैं, कभी तीर्थ पर्यटन में जाते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसमें निश्चल निश्चल होकर के तुम वो अपने भजन अनुष्ठान करते रहो, नाम जप ध्यान धारणा स्तप स्तुति जो है। शरीर की भी अनुकूलता देख करके ही साधन किया जाता है, शरीर की अनुकूलता, शरीर तो अपना कर्म करेगा, जैसे हमारा कहीं पटक के रख दिया कई दिन, तो इसके लिए निरुत्साह होने से तो होगा नहीं, जो डॉक्टर बोला है तुम कि निर्जला चलेगा नहीं, तुमको आधा घंटा पीछे पीछे एक घंटे पीछे खाना पड़ेगा, ये करेगा, नहीं तो मरोगे। हमारे सामने तो कितना कठिन परीक्षा, काल एकादशी है और हमको वो दवा लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका एक्शन खत्म हो जाएगा, कितना बड़ा परीक्षा बताओ। ये देखो ना, ये एक्शन खत्म हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा काल। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, बोले उसका कोई ऑप्शन नहीं, हमको कहता हम एकादशी करेंगे, इसका भी कोई ऑप्शन नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं तो दो दिन पीछे मर जाएंगे, नहीं परसों दिन हमारी मृत्यु आ सकती है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम निर्जला करेंगे काल, ऐसा थोड़ी है। थोड़ी हम छोड़ देंगे, डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास रहने दो, हम छोड़ेंगे नहीं, परसों नहीं तो ये एक्शन खराब हो गया, रिएक्ट कर गया कुछ, क्या होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु तो और दो दिन पीछे होना ही है, तो उसके लिए क्या चिंता है, आगे क्या है, तो ऐसा थोड़ी होता है, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मैंने सुन करके तो हम घबरा गए, ये भाई ये तो क्या कह दिया, बोलते हैं ये एक्शन खत्म हो जाएगा, लेना ही पड़ेगा, एकादशी पर तो छोड़ना पड़ेगा, देखेंगे पशु मृत्यु आ जाए तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। हम लोग कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते, तो करो तुम्हारी इच्छा, तुम जैसे करो, करो ना करो ना करो, तो पशु अगर मान लो एक्शन खत्म हो गया तो इसके लिए हम पर तो छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इतना कॉम्प्रोमाइज हम करेंगे, इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जो हम भजन के नियम छोड़ देंगे, तो एक निर्जला पर तो छूट गया, वो निर्जला पर तो जीवन में और आएगा नहीं, लौट के आएगा, जो छूट गया वो वाला आएगा क्या, तो वो वाला आएगा नहीं, तो हम छोड़ेंगे क्यों भाई, वो तो आने वाला है, फिर आगे वाला आएगा कि नहीं, उसको दिन शायद मर भी सकते हैं, मतलब अगले एकादशी तक, तो ऐसे बात है। धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात, ऐसे करना ही पड़ेगा हमको, हम मजबूर हैं, ये हमारा मजबूरी है। फिर है संगत एकात, तत्त कर्म प्रवर्तनात माने तुम्हारी जो व्रत नियम ध्यान धारणा उपासना वो करना ही पड़ेगा, ऐसी इस तरह से जैसे चल रहा, उसमें निरुत्साह नहीं होनी चाहिए, टूटना चाहिए अपना भजन नियम ध्यान, बढ़ना चाहिए उत्तरोत्तर,
उत्तरोत्तर ये आगे बढ़ना चाहिए, ये किसी भी अवस्था में नीचे आना नहीं चाहिए। मान लो शंखा हम इतना करते हैं, आगे और शंखा बढ़ना चाहिए, फिर आगे और शंखा बढ़ना चाहिए। अभी आसन में बैठते हैं हम एक घंटा, धीरे धीरे दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पाँच घंटा, छः, इस तरह से आसन भी नियम बढ़ाना चाहिए, उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। यह है तत्त कर्म प्रवर्तनार्थ, यह भजन में आगे बढ़ने के लिए ऐसे निर्देश है।